नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि एक लॉयर के रूप में रजिस्टर्ड होने के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं आवश्यक हैं और आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं। तो ये सब जानने के लिए बने रहे शुरू से अंत तक। देखिए, एक एज एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड होने के लिए आपको LLB की डिग्री प्राप्त करना आवश्यक होती है। यदि आपने LLB की डिग्री प्राप्त कर ली है और यदि आप LLB की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना बेहद आवश्यक है कि आप एज ए एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड कैसे हों। देखिए, जब भी आपकी LLB कंप्लीट हो जाती है, तो आपको एज ए एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड करवाने के लिए संबंधित राज्य के बार काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जब भी आप LLB कंप्लीट कर ले, तो आप संबंधित जो भी आप जिस किसी राज्य से ताल्लुक रखते हैं, यानी आप राजस्थान से हैं या फिर आप MP से हैं या फिर आप गुजरात से हैं, तो ऐसी दशा में उस राज्य के बार काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उस राज्य की वेबसाइट पे जाते हैं और उसमें जो विहित फॉर्मूला होता है उसमें आवेदन करते हैं। और उस आवेदन में आप 10th क्लास से लेकर, यदि आपने ग्रेजुएशन के बाद LLB की है तो ग्रेजुएशन तक की संपूर्ण जानकारियां और LLB की भी जानकारियां उसमें होती है। और यदि 12वीं के बाद आपने LLB की है, तो इसकी दशा में आप 12वीं तक के जो भी नंबर्स होते हैं उनके संबंध में जानकारी देते हुए BA LLB में जो भी आपके नंबर आए हैं उन सबकी जानकारियां दी जाती हैं। और जैसे ही आप ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं, तो आपको एक चालान इश्यू किया जाता है जो लगभग 17,000 के समथिंग होता है। हालांकि यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर आप OBC से बिलोंग करते हैं, तो ऐसी दशा में उस चालान में कुछ छूट भी प्रदान की जाती है जो लगभग 1,500 रुपये तक की होती है। उसके बाद आप उस चालान को बैंक में जाकर जमा करवा के आते हैं और बैंक में जैसे ही आपका चालान जमा हो जाता है, आप वापस से संबंधित राज्य की जो भी बार काउंसलिंग की जो साइट होती है उस पे जाते हैं और उस चालान के संबंध में जो भी एंट्रीज आपको करनी होती है वो संपूर्ण एंट्रीज करते हैं। और ये तमाम एंट्रीज करने के बाद आप उस आवेदन की जो फोटोकॉपी निकालते हैं, और फोटोकॉपी निकालने के बाद आपके जो भी मार्कशीट हैं, यानी 10th क्लास से लेकर LLB करने तक की जो भी सर्टिफिकेट्स आपने हासिल किए हैं, वो सारे सर्टिफिकेट उस आवेदन के साथ लगाए जाते हैं। उस आवेदन के साथ साथ उन सर्टिफिकेट्स की एक फोटोकॉपी भी संलग्न की जाती है और उसके साथ आप अपनी फोटोग्राफ भी अटैच कर उस आवेदन को संबंधित राज्य के बार काउंसलिंग को सेंड करते हैं, यानी भेजते हैं। यानी कि आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, उन सर्टिफिकेट की मूल प्रति के साथ साथ उसकी एक फोटो प्रति का एक पूरा सेट और उसके साथ साथ आपकी फोटोग्राफ अटैच करते हुए एक लिफाफा लेते हैं और उस लिफाफे में उन सभी को डाल देते हैं। और उस लिफाफे में डालने के बाद उसके साथ भी एक लिफाफा जो कि आपको रिटर्न में आपको प्राप्त होना है, आपके संपूर्ण दस्तावेज जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हो, यानी मूल डॉक्यूमेंट जो भेज रहे हो, उनको वापसी के लिए एक लिफाफा भी उसमें आपको भेजना होता है। उसके बाद जैसे ही आप ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं, लिफाफे में आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो आपने फॉर्म फिल किया है, उस सबको पैक करने के बाद उसको डाक में स्पीड पोस्ट के माध्यम से संबंधित राज्य की जो बार काउंसलिंग है उसका जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे भेज देते हैं। जैसे ही आपका आवेदन वहां पर पहुंच जाता है, तो वहां के बार काउंसलिंग में जो कि बैठक होती है, यानी जो मीटिंग्स होती है, उस मीटिंग में आपके आवेदन के ऊपर विचार किया जाता है और जो भी आपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं उन सबको मिलान करने के बाद यदि बार काउंसलिंग ये संतुष्ट हो जाता है कि आपने जो आवेदन किया है वो सही है, तो ऐसी दशा में आपको एक कार्ड इश्यू किया जाता है। वह कार्ड आपके डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपके घर पर पहुंच जाता है। जो भी आपने पता उस लिफाफे के ऊपर लिखा है, उस पते पर डाक के माध्यम से वे सभी डॉक्यूमेंट कार्ड के साथ पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही आपके पास आपका कार्ड पहुंच जाता है, तो आप संबंधित राज्य के बार काउंसलिंग में एज ए एडवोकेट इनरोल हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी आपको एक एग्जाम फाइट करना होता है। वो एग्जाम होती है BCI, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। वह एग्जाम प्रत्येक वकील के लिए देना अनिवार्य है। यदि आपने 2010 के बाद LLB की है, तो ऐसी दशा में वह एग्जाम आपको देना अति आवश्यक है। और ऐसी एग्जाम आपको एज एडवोकेट संबंधित राज्य की बार काउंसलिंग में इनरोल होने के 5 साल के भीतर भीतर देनी होती है, जिसे AIB की एग्जाम के नाम से संबोधित किया जाता है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आपको एडवोकेट के रूप में इनरोल कराने के लिए कुछ गाइडेंस के रूप में सहायक रही होगी। और यदि आप भी चाहते हैं कि मैं किसी विषय पर वीडियो लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या फिर मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके विषय पर जल्द से जल्द वीडियो लेक्चर लेकर आने की। धन्यवाद।